हेलो स्टूडेंट्स, आज का साडा टॉपिक है स्विंग टूल्स अते स्विंग मशीन ऑपरेशंस। इस वीडियो विच असी जानांगे मेजरिंग अते मार्किंग टूल्स अते उन्हां दी वरतों, कटिंग टूल्स अते उन्हां दी वरतों, नीडल अते थ्रेड्स, प्रीपरेशन ऑफ सिंगल नीडल स्विंग मशीन। सब तो पहला असी गल करदे हां मेजरिंग अते मार्किंग टूल्स अते उन्हां दी वरतों बारे। सिलाई मशीन ऑपरेटर नूं वख-वख माप अते मार्किंग औजारां बारे ठोस जानकारी होना जरूरी है तां जो किसी अजिहे कपड़े नूं सिलाई कीता जा सके जो चंगी तरह फिट होवे। कपड़े बनाउण दी प्रक्रिया विच आम तौर ते मापण, निशानदेही करन, कट्टण अते सिलाई करन दे ज्ञान अते हुनर शामिल हन जो कि उचित औजारां दी वरतों करके कीता जांदा है। मापण, निशानदेही करन अते कट्टण दे विभिन्न औजारां अते साजो समान दी वरतों खुद दी उपयोगता अते महत्ता है। इस तों बाद असीं गल करांगे मेजरिंग टूल्स बारे। किसी चंगी तरह फिट कपड़े नूं सिलाई करन लई स्टिक माप लैणा महत्वपूर्ण हुंदा है। सिलाई दे सही माप लैण लई मापण वाले औजार दी उचित चोण होना जरूरी है। सही पैटर्न बनाउण लई सही मापां दी चोण होण दी लोड़ हुंदी है तां जो कपड़े दी उचित फिटिंग यकीनी बनाई जा सके। वख-वख किस्म दे माप वाले औजार जो काम नूं सही तरीके नाल करन विच मदद करदे हन वो हेठ लिखे अनुसार हन। सब तो पहला मेजरिंग टूल है मेजरिंग टेप। नाप लैण लई इह एक मैटल दी नोक वाली कॉटन जां प्लास्टिक दी टेप हुंदी है। आम तौर ते मेजरिंग टेप दा आकार 1/2 इंच तों 1/4 इंच चौड़ा, 60 इंच लंबा अते 1/8 डिवीजना हुंदियां हन। इस दे एक सिरे ते एक छोटा जिहा तातू दा कवर हुंदा है अते टेप दे दूजे सिरे ते लगभग 3 इंच दी मैटल दी पट्टी जुड़ी हुंदी है। नैक्सट टूल दी गल करांगे असी रूलर। इह प्लास्टिक, धात जां लकड़ तों बनिया हुंदा है। छोटे मापां नूं मापण लई एक रूलर सुविधाजनक हुंदा है। पारदर्शी रूलर दी वरतों सिद्धियां लाइनां जां पक्षपाती लाइनां नूं खिंचण लई कीती जांदी है। नैक्सट है यार्ड स्टिक। एक सिद्धा औजार है जिस नूं एक यार्ड नाल लंबाइयां नूं शरीरिक तौर ते मापण लई वरत्या जांदा है। इह एक चपटा लकड़ दा औजार है जिस दे निशान बकायदा अंतरालां ते हुंदे हन। यार्ड स्टिक कागज़ जां कपड़े ते लंबियां सीम लाइनां खिंचण लई बहुत लाभदायक हुंदा है। नैक्सट एल स्क्वेयर। इह एक एल आकार दा लकड़ जां धातू दा स्केल है जिस दी लंबी बांह 24 इंच अते छोटी बांह 14 इंच है। एल स्क्वेयर दा एक सही कोण वाला कोना है अते इस नूं ड्राफ्ट नूं बनाउण दौरान सही कोणां ते लाइनां खिंचण लई वरत्या जांदा है। नैक्सट हैम और स्कर्ट मार्कर। इस दी वरतों हैम लंबाई नूं सही ढंग नाल निशानबद्ध करन लई कीती जांदी है। इह एडजस्टेबल है अते इस नूं कपड़े दे वख-वख भागां जिवें कि प्लेट्स, हैम, सीम अलाउंस आदि लई चौड़ाई नूं मापण लई कीता जांदा है। नैक्सट टूल है फ्रेंच कर्व। इह प्लास्टिक, लकड़ जां धातां तों बनिया एक टैंपलेट है जो वख-वख कर्व्स तों बनिया हुंदा है। इस दी वरतों स्मूथ कर्व्स नूं बनाउण लई ड्राफ्टां विच कीती जांदी है। कपड़े बनाउण विच फ्रेंच कर्व मुख तौर ते पैटर्न ड्राफ्टिंग, पैटर्न विच तब्दीलियां अते हार्म होल अते नेक लाइन नूं आकार देण लई वरत्या जांदा है। पारदर्शी, हल्का अते अटूट प्लास्टिक पदार्थ दी वरतों सब तों वध फ्रेंच कर्व बनाउण लई कीती जांदी है।
नैक्सट सीम और स्विंग गेज। यह 6 इंच का मैटल स्केल है जिस विच स्लाइडिंग डिस्टेंस इंडीकेटर है। इस दे एक किनारे ते इंच दे निशान अते दूसरे ते सेंटीमीटर निशान हुंदे हन। यह छोटे भागां विच जिवें कि हैम प्लेट्स अते बटन जां होर तब्दीलियां लई सही माप लै सकदा है, जां होर तब्दीलियां वास्ते यह विस्तार डिजाइन करन वास्ते एक लाभदायक औजार है। नेक्स्ट टूल है मार्किंग टूल्स। यह औजार स्टिक निशान बनाने लई हन जो पक्के तौर ते नहीं रहंदे जां कपड़े ते दाग नहीं दिंदे पर निर्माण दौरान दिखाई दिंदे हन। सब तो पहला मार्किंग टूल है ट्रेसिंग व्हील। एक कपड़े दे गलत पासे दे मापां अते पैटर्ना नूं ट्रेसिंग पेपर दी मदद करके मार्क करन विच मदद करदा है। नेक्स्ट टूल है टेलर चॉक। यह रंगदार पाउडर तों बनिया हुंदा है जिसनूं कपड़े ते निशान लई वरत्या जांदा है। यह चाक वक-वक आकारां अते रंगां विच उपलब्ध है, मुख तौर ते आयताकार अते तिकोण। यह एक पेंसिल दे रूप विच भी उपलब्ध हुंदा है। नेक्स्ट है टेलर्स वैक्स। इस द्वारा पैदा कीते गए निशानों नूं केवल ताप जां लॉन्डरिंग नाल कपड़े तों हटाया जा सकता है। यह कई रंगां विच उपलब्ध है जो सफेद, पीले, लाल, नीले, काले अते फ्लोरोसेंट हरे आदि रंगां विच उपलब्ध हुंदे हन। इसलिए कपड़े दे सही पासे वरतन तो पहला कपड़े दे एक छोटे जे स्क्रैप ते टेलर वैक्स नूं टेस्ट करना उचित हुंदा है। नेक्स्ट टूल है फैब्रिक मार्किंग पेन्स। अजिहे पेन हवा विच गायब जां पानी विच घुलनशील हुंदे हन। इन्हां नूं विशेष तौर ते डिजाइनां दी निशानदेही करन लई वरत्या जांदा है। डिजाइन नूं ट्रेस करन तो बाद रंग लंबे समय तक चल सकता है पर पानी नाल सिल होण ते पूरी तरह गायब हो जाता है। जदों एयर इरेजेबल पेन नूं विशेष तौर ते ड्रेस मेकिंग जुत्तियां बनाउण, कढ़ाई आदि करन लई वरत्या जांदा है। ड्राइंग तो बाद 2 तों 10 दिनों बाद रंग वाष्पित हो जाता है। निशान लगाउण दे कुछ समय बाद ही कपड़ियां नूं सिलाई करो जां किसी प्लास्टिक दे बैग विच निशान बंद कपड़े नूं सील करो जिस विच हवा नूं दबाया जा सके। नेक्स्ट है ड्रेस मेकिंग पिंस। ड्रेस मेकिंग पिंस मुख तौर ते स्टेनलैस स्टील जां पित्तल तों बनियां हुंदियां हन अते इन्हां दा आकार 10 तों 32 तक हुंदा है। साइज़ 11 आम मकसद वाली ड्रेस मेकिंग दी पिन है पर कई विशेष किस्मां हन जो लाभदायक हो सकदियां हन। इन्हां दा मुख काम मार्किंग, कट्टण अते सिलाई दे दौरान कागज़ जां कपड़े नूं स्थिति विच रखना हुंदा है। विशेष कपड़े लई पिन्नां दी सही चोण पिन दे आकार अते समग्री दे आधार ते महत्वपूर्ण है क्योंकि वरती गई गलत पिन कपड़े विच नुक्स पैदा कर सकती है। नेक्स्ट है कटिंग टूल्स अते इन्हां दी वरतो। कट्टण दी प्रक्रिया शुरू करन तो पहला कपड़े दे अनुसार कट्टण वाले औजार दी चोण होना महत्वपूर्ण है। कट्टण वाले औजार दी चोण करदे समें औजारां दी गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। वरती गई धात दी गुणवत्ता, ब्लेडां दी शक्ति, सख्ती, इसका भार अते इसकी प्लेटिंग आदि। हुण असीं देखांगे कटिंग टूल्स। सब तो पहला बेंट हैंडल शीयर्स। ये कैंचियां आम तौर ते 7 जां 8 इंच दे ब्लेड नाल उपलब्ध हुंदे हन। बेंट हैंडल कपड़े नूं कढ़दे समें मुलायम अते सिद्धा रखदे हन। इस तरह कटिंग किनारे ते बेहतर कंट्रोल प्राप्त हुंदा है। यह कैंची सज्जे हथ जां खब्बे हथ दे स्टाइलां विच उपलब्ध हन। इन्हां कैंचियां दी वरतों केवल कपड़ियां नूं कट्टण लई कीती जांदी है। नेक्स्ट है सीजर्स।
ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਔਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਕੈਂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ, ਨੁਕੀਲੇ ਅਤੇ ਪਤਲੇ ਬਲੇਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਂਚੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 3 ਤੋਂ 10 ਇੰਚ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਬਲੇਡਾਂ ਲਈ ਗੋਲ ਹੈਂਡਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੱਪੜੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕੈਂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਲੇਡਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟੂਲ ਹੈ ਪਿੰਕਿੰਗ ਸ਼ੀਅਰਸ। ਇਹ ਸ਼ੀਅਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 9 ਤੋਂ 10 ਇੰਚ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਜਾਵਟੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜਿਗ ਜੈਗ ਕੱਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਟਿੰਗ ਟੂਲ ਹੈ ਕਢਾਈ ਕੈਂਚੀ ਜਾਂ ਇੰਬਰਾਇਡਰੀ ਸੀਜ਼ਰ। ਇਹ ਕੈਂਚੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 4-5 ਇੰਚ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਬਲੇਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਰਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਬਟਨ ਹੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਬਟਨ ਹੋਲ ਕੈਂਚੀਆਂ। ਇਹ ਕੈਂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਚ ਕੀਤੇ ਬਲੇਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਟਨ ਹੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਲਟ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1.5 ਇੰਚ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਬਟਨ ਹੋਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੈਂਚੀ। ਇਹ ਕੈਂਚੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਕੱਪੜਾ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਸ਼ਮ, ਨਾਈਲੋਨ, ਨਰਮ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕੱਟ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਕੈਂਚੀ ਦਾ ਬੈਕਸਾਈਡ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਂਚੀ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟਰੇਟ ਨਾਈਫ। ਇੱਕ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਐਜ ਨਾਲ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਸ ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟਰੇਟ ਨਾਈਫ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਬਲੇਡ ਸਪੀਡਾਂ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਾਰਮੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਊਂਡ ਨਾਈਫ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਰੇਟ ਨਾਈਫ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰ। ਇਹ ਕੋਮਲ ਕਰਵ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਮ ਰੀਪਰ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪੈਨ ਵਰਗੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਸਟਿੱਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਂਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਮ ਰੀਪਰ ਸੀਮ ਨੂੰ ਰੀਪ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਕਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਾਂਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟੂਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਥਰੈਡ ਕਟਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨ ਸਪਰਿੰਗ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਧਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਰੈਡਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕ ਕੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਟਿੰਗ ਟੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਟਿੰਗ ਟੇਬਲ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਪਟਾ ਮੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ, ਪਿੰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟੂਲ ਹੈ ਨੋਚਰਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੈਟਰਨ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਸੀਮ, ਕੇਂਦਰ ਲਾਈਨਾਂ, ਡਾਟ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੀਡਲਸ ਅਤੇ ਥਰੈਡਸ ਬਾਰੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ
कई किस्म दियां सुइयां अते धागे उपलब्ध हन। सिलाई वास्ते एक ढुकवें सूई धागे अते औजारां दी चोण करना महत्वपूर्ण हुंदा है। इस तों बाद असीं नैक्सट देखदे हां नीडल्स दे पार्ट्स ते नीडल्स दियां किस्मां बारे। नीडल्स काफ़ी तरीके दियां हो सकदियां ने, हैंड स्विंग नीडल्स ते मशीन नीडल्स। इन्हां सूइयां दी वरतों हथ दी सिलाई जां कढ़ाई लई कीती जांदी है। सूई दा डिज़ाइन मकसद अनुसार बदलदा रहिंदा है। सूइयां ज़्यादातर वख-वख आकार विच उपलब्ध हुंदियां हन, बहुत छोटे आकार 9 तों लैके 20 दे भारी आकार तक। हत्थां दी सिलाई सूई दी चोण कीते जाण वाले कम अते कपड़े दी किस्म ते निर्भर करदी है। हत्थां दी सिलाई लई एक छोटे अंडाकार अख वाली दरम्यानी लंबाई दियां सूइयां दी चोण कीती जांदी है, जबकि कढ़ाई दे कम लई एक लंबी अंडाकार अख वालियां क्रुइल सूइयां दी चोण कीती जांदी है। हत्थ सिलाई मशीन दे हेठ लिखे तीन भाग हुंदे हन, पॉइंट, शाफ्ट ते आई। इस तों बाद नैक्सट स्विंग मशीन नीडल। गारमेंट उद्योग विच सिलाई मशीन दियां कई किस्मां हन, हरेक वास्ते वक-वक किस्म दियां सूइयां दी लोड़ हुंदी है। सूइयां दे कई विभिन्न नाम जां नंबर हो सकदे हन, जिवें कि सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन लई DV क्रॉस 1 नीडल दी वरतों कीती जांदी है। भावें सिलाई मशीन दियां सूइयां वक-वक किस्म दियां हुंदियां हन, पर इन्हां दी चोण इस दे उपयोग अनुसार कीती जा सकदी है। सूइयां दा आकार मुख तौर ते कपड़े दी बणतर अते किस्म उते सिलाई दे धागियां ते निर्भर करदी है। स्विंग मशीन सूइयां ज़्यादातर आकार 9 तों 20 तक उपलब्ध हुंदियां हन। वक-वक किस्म दियां सूइयां नूं विशेष सिलाई मशीनां अते विशेष माडलां नूं ठीक करन लई बनाया जांदा है। सूई दे आकार, भार, मोटाई अते इस दे किस्म दे कपड़े नाल मेल खांदे होने चाहिदे हन। जे सूई बहुत फाइन है तां इह धागे नूं खत्म कर दिंदी है। जे सूई ज़्यादा मोटी है तां इह कपड़े नूं नुकसान पहुँचाउंदी है, एक गैर आकर्षक सीम पैदा करती है अते सीम नूं पकड़ दे रूप विच पैदा करती है। सिलाई मशीन दी सूई दे वख-वख भाग हेठ लिखे अनुसार हुंदे हन। इस पिक्चर विच तुसी देख सकदे हो स्विंग मशीन नीडल दे अलग अलग पार्ट्स, जिस विच टिप, पॉइंट, आई, लोंग ग्रूव, शॉर्ट ग्रूव, शोल्डर, शैंक, बट आदि शामिल हुंदे हन। आओ इन्हां पार्ट्स बारे अगे जानदे हां। सब तो पहला पार्ट है बट। यह शैंक दे उपरले सिरे ते एक छोटा पिरामिड है। इसनू सूई बार विच सुराख नाल एक बिंदु संपर्क करन लई व्यौंतया गया है। नैक्सट पार्ट है शैंक। सूई दे पेच द्वारा सूई दे बार विच रखी सूई दा उपरले सिरा शैंक हुंदा है। ये शैंक आम तौर ते गोल हुंदा है, पर इस दे एक जां दो चपटे पासे हो सकदे हन। सूई दे ब्लेड नू समर्थन अते स्थिर करन लई तैयार कीता जांदा है। शैंक दा व्यास ज़्यादातर ब्लेड दे व्यास तों वड्डा हुंदा है। शोल्डर, ये सूई दे ब्लेड दे बिल्कुल उपर दे शैंक दी शुरुआत है। ब्लेड, यह सिलाई मशीन दा पतला भाग है जो कि शैंक तों अख तक फैलिया हुंदा है। इसनू आसानी नाल मोड़िया जा सकदा है अते इसलिए इसनू सीधा करन लई निजमत तौर ते जांच कीती जानी चाहीदी है। अगला मशीन नीडल पार्ट है स्कार्फ। ये अख दे उपर एक छोटा जा इंडेंशन है जो हुक नूं धागे दे लूप नूं चुकण दी आग्या दिंदा है। कुछ सूइयां दे स्कार्फ लंबे अते डूंगे हुंदे हन तां जो ये यकीनी बनाया जा सके कि सूई दा धागा लूप इन्ना वड्डा होवेगा कि छड्डे होए टांकियां नूं रोकिया जा सके। इस तों नैक्सट पार्ट है शॉर्ट ग्रूव। इसनूं सूई दे एक पासे रखिया जांदा है जिथे हुक जां लूपर रखिया जांदा है। इस सिरे अते सूई अख दे विचकार एक छोटा जिहा ग्रूव है। छोटी ग्रूव सिलाई धागे नूं लूप बनाउण विच मदद करदी है। नैक्सट पार्ट है आई। इह लंबी ग्रूव दे हेठले सिरे ते सूई दे ब्लेड विच एक मुहावरा हुंदा है। इह धागे नूं कपड़े विच हुक जां लूपर तक लै के जांदा है तां जो कोई सिलाई कीती जा सके। अख दा आकार ब्लेड दे व्यास दे अनुपातक हुंदा है।
नेक्स्ट पार्ट है पॉइंट। इसनों अक्सर सूई का सब तो महत्वपूर्ण पार्ट मनिया जाता है। ज़्यादातर सूइया विच एक शार्प पॉइंट बाल पॉइंट या कटिंग पॉइंट होता है। आम तौर पर गोल पॉइंट अते बाल पॉइंट बुने अते बुने हुए कपड़े या फिर निट्टड अते बोवन कपड़ों लिए वरते जाते हैं, क्योंकि यह रेशे फैला के या धागे नूं बिना नुकसान दे फैला के कपड़े विच प्रवेश कर सकते हैं, जबकि कटिंग पॉइंटा वाली सूइया मुख तौर पर चमड़े लिए वरतियां जाती हैं। नैक्सट असी देखांगे डिफरेंट टिप्स बारे, डिफरेंट नीडल टिप्स। सब तो पहला होंदा है यूनिवर्सल, उस तो बाद जर्सी या बाल पॉइंट, फिर स्ट्रैच डैनिम या जीन्स टिप, इस तो बाद माइक्रोटैक या शार्प टिप या फिर लैदर टिप। टिप्स की वरतों अलग अलग फैब्रिक्स उपर की जाती है। नैक्सट असी देखांगे नीडल साइज गाइड। हर एक नीडल का नंबर होंदा है जिसनों अलग अलग फैब्रिक अलग अलग वेट के फैब्रिक्स लिए वरत्या जाता है, जिमें कि 8, 9 ते 10 नंबर नीडल वेरी फाइन फैब्रिक लिए यूज की जाती है, जिमें कि सिल्क शिफॉन ऑर्गेंजा आदि फैब्रिक। इस तरह 11, 12 अमेरिकन साइज नंबर नीडल लाइट वेट फैब्रिक जिमें कि कॉटन सिल्क सिंथेटिक स्पेंडेक्स ते लाइकरा लिए वरती जाती है, ते 14 नंबर नीडल मीडियम वेट फैब्रिक्स लिए वरती जाती है, जिमें कि कॉटन वायलट फाइन कॉटराई लिनन मसलिन जर्सी एक्सेट्रा लई। 16 नंबर नीडल हैवी वेट फैब्रिक जिमें कि डैनिम कॉटराई कैनवस आदि फैब्रिक लिए यूज की जाती है। इस तरीके 18 नंबर नीडल वैरी हैवी फैब्रिक्स लिए अते 20 नंबर नीडल होर ज़्यादा हैवी फैब्रिक्स वास्ते यूज की जाती है। इस तो बाद असी गल करांगे स्विंग थ्रैड बारे। स्विंग थ्रैड काफ़ी टाइप के हो सकते हैं, जिमें अक्रैलिक कॉटन नाइलॉन थ्रैड्स। सिलाई धाग्यां दी व्यापक किस्म बाजार विच उपलब्ध हैं, इस दियां बहुत सारिया किस्म बाजार विच उपलब्ध हैं। कपड़े लिए सही सिलाई धागे की चोण करना बहुत ही महत्वपूर्ण काम होंदा है। एक मजबूत धागा निर्माण लई बहुत वधिया होंदा है, खास तौर पर कुदरती रेशियां दे कपड़ियां दे उपर। एक स्टैपल थ्रैड एक स्मूथ ते अच्छा थ्रैड होंदा है। इस तरीके नाल मर्सराइज कीती कॉटन नूं होर सूती धाग्यां नालों वधेरे सरल ते सीधा समझा जांदा है। पोलिएस्टर धागे विच एक उच्ची सीन होंदी है अते इह एब्रेशन रेजिस्टेंस होंदी है। रेशमी धागा मजबूत अते चमकदार होंदा है। इस धागे नूं निर्माण अते सिलाई कीते वेरव्यां जिमें कि बटन होल अते उपरी सिलाई लई वरत्या जांदा है। रेशमी धाग्यां दी वरतों कढ़ाई करन लई भी बहुत ज़्यादा कीती जांदी है। हमेशा वरते जा रहे कपड़ियां दी किस्म अनुसार एक धागे की चोण करो। मनुख द्वारा बनाए रेशियां अते मर्सराइज कीते सूती जां रेशमी धागे नाल सिंथेटिक धाग्यां दी वरतों करो। ऊन दे कपड़ियां नूं रेशम जां सिंथेटिक धाग्यां नाल सिलाई करना चाहीदा है, क्योंकि इन्हां विच फैब्रिक नाल तनाव दी समर्था हुंदी है। एक धागे दी चोण करो अते तुहाडे कपड़े नालों एक गूढ़ा शेड लवो, क्योंकि जदों किसी कपड़े ते काम कीता जांदा है तां एक धागा हल्का दिखाई दिंदा है। धागे दे लैवल ते जिन्नी ज़्यादा गिनती होवेगी ओह जिन्नी ज़्यादा बरीक होवेगी। जदों टांके लगाए जाते हैं तो धागे नूं चंगी तरह नाल कपड़े विच सैट करना चाहिदा है, तां जो एक लंबी मजबूत म्याद वाली सीम बनाई जा सके। जे धागा कपड़े वास्ते बहुत ज़्यादा है तां इह सतह ते रहेगा अते तेजी नाल फाड़ देवेगा, जिस नाल तुहाडे कपड़े दी टिकाऊता घट हो जाती है। नैक्सट असी गल करांगे प्रिपरेशन ऑफ अ सिंगल नीडल स्विंग मशीन। सिंगल नीडल स्विंग मशीन तो पहला सिंगल नीडल स्विंग मशीन उपर वर्क करन तो पहला दी प्रिपरेशन बारे असी जानांगे। इस विच जिहड़े स्टैप्स इनकलूड हुंदे हन ओह हन कनैक्ट दी मशीन टू दी पावर सप्लाई। पहला स्विंग मशीन नूं पावर सप्लाई नाल जोड़िया जांदा है,
प्लेसमेंट ऑफ फुट कंट्रोलर, जिहड़ा फुट कंट्रोलर है उहदी सही प्लेसमेंट कीती जानी चाहीदी है। एडजस्ट दी प्रेशर फुट, प्रेशर फुट नूं सैट कीता जाणा चाहीदा है। वाइंड दी बोविंग, फिरकी नूं भरना चाहीदा है। सिलेक्ट दी करैक्ट नीडल अते थ्रैड फॉर स्विंग, सही नीडल ते सही थ्रैड दी चोण करनी चाहीदी है। फिक्स द नीडल इनटू द नीडल बार, नीडल नूं सही ढंग नाल नीडल वार विच फिक्स कीता जाना चाहीदा है। सैट दी बॉबिन एंड बॉबिन केस इन दी मशीन, इस तो बाद बॉबिन ते बॉबिन केस नूं मशीन दे विच सैट कीता जाना चाहीदा है। थ्रैड दी मशीन, इस तो बाद मशीन दी थ्रैडिंग जां मशीन दे विच धागा पाउणा चाहीदा है। एडजस्ट दी थ्रैड टेंशन, जो धागे दी टेंशन जां दबाव है उसनों सैट करना चाहिदा है। एडजस्ट दी स्टिच लेंथ, जरूरत अनुसार स्टिच लेंथ रेगुलेटर नाल स्टिच लेंथ नूं सिलेक्ट करना चाहिदा है अते एडजस्ट करना चाहिदा है। नेक्स्ट पॉइंट है चेक दी स्टिच फॉर्मेशन, सानूं सिलाई लगा के स्टिच फॉर्मेशन नूं चेक कर लेना चाहिदा है। इस तो बाद लास्ट पॉइंट है चेक दी रिवर्स स्टिचिंग लीवर, इस तो बाद सानूं रिवर्स स्टिचिंग लीवर नूं वर्क करके देख लेना चाहिदा है। धन्यवाद। सिंगल नीडल स्विंग मशीन उपर वर्क करन तो पहला दी प्रीपरेशन बारे असी जानांगे। इस विच जिहड़े स्टैप्स इनकलूड हुंदे हन वो हन कनैक्ट दी मशीन टू दी पावर सप्लाई, पहला स्विंग मशीन नूं पावर सप्लाई नाल जोड़िया जांदा है। प्लेसमेंट ऑफ फुट कंट्रोलर, जिहड़ा फुट कंट्रोलर है उहदी सही प्लेसमेंट कीती जानी चाहीदी है। एडजस्ट दी प्रेशर फुट, प्रेशर फुट नूं सैट कीता जाणा चाहीदा है। वाइंड दी बोविन, फिरकी नूं भरना चाहीदा है। सिलेक्ट दी करैक्ट नीडल अते थ्रैड फॉर स्विंग, सही नीडल ते सही थ्रैड दी चोण करनी चाहीदी है। फिक्स द नीडल इनटू द नीडल बार, नीडल नूं सही ढंग नाल नीडल वार विच फिक्स कीता जाणा चाहीदा है। सैट दी बॉबिन एंड बॉबिन केस इन दी मशीन, इस तो बाद बॉबिन ते बॉबिन केस नूं मशीन दे विच सैट कीता जाना चाहीदा है। थ्रैड दी मशीन, इस तो बाद मशीन दी थ्रैडिंग जां मशीन दे विच धागा पाउणा चाहीदा है। एडजस्ट दी थ्रैड टेंशन, जो धागे दी टेंशन जां दबाव है उसनों सैट करना चाहीदा है। एडजस्ट दी स्टिच लेंथ, जरूरत अनुसार स्टिच लेंथ रेगुलेटर नाल स्टिच लेंथ नूं सिलेक्ट करना चाहिए है अते एडजस्ट करना चाहिए है। नेक्स्ट पॉइंट है चेक दी स्टिच फॉर्मेशन, सानू सिलाई लगा के स्टिच फॉर्मेशन नूं चेक कर लेना चाहिए है। इस तो बाद लास्ट पॉइंट है चेक दी रिवर्स स्टिचिंग लीवर।